हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट में कुछ एक चार्टिंग स्कैनर्स के बारे में। बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो इसमें पहले से अपलोड करके रखी हुई है, जो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं चार्टिंग स्कैनर। बेसिकली ये चार्टिंग स्कैनर है, अगर आप जाके गूगल पे सर्च करोगे तो चार्टिंग स्कैनर्स के नाम से, तो अब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बेसिकली ये वेबसाइट क्या करती है कि जो भी स्टॉक्स वगैरह है उनको फिल्टर करने का काम करती है, जैसे आप कमांड देते हो उसके बिहाफ पे। जैसे कि मार्केट काफ़ी गिरी हुई है तो उसमें भी आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न देने वाले स्टॉक को फिल्टर करके यहाँ पे देगा। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो निकाल के रखे हुए हैं, जो कि मैंने यहाँ पे काफ़ी, जो आप देख रहे हो ये सब स्कैम्स जो है मैंने बना के रखे हुए हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग का हो गया, ये इंट्राडे हो गया, ये जैकपॉट का हो गया, और ये मंथली बेसिस और स्विंग ट्रेडिंग, और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी यहाँ पे मैंने स्कैन बना के रखे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक छोटा छोटा डेमो दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। निफ्टी का चार्ट पैटर्न है। निफ्टी में अभी आप देख रहे हो कि मार्केट किस तरीके से वॉलिटिलिटी से काम कर रही है, तो यहाँ पे अभी कोई भी स्टॉक नहीं आया हुआ है। अगर इसकी पास्ट हिस्ट्री को मैं चेक करवा के दूँ यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे कि निफ्टी जैसे 7 तारीख को है, 7/3/2022 को 9:15 बजे, ये बेरिश चार्ट है। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे आप चेक करोगे तो 7/3 को, तो ये रहा 7/3 को 9:15 बजे मार्केट ओपन होते ही ये स्कैन के अंदर आ गया था, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, तो इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता। और इसी के साथ ही इसके कुछ और भी हैं जो मैं अभी तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी मेरे को कुछ और चीज़ें भी बतानी है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसी के बिहाव पे मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। दूसरे स्कैन की बात कर लेते हैं, CPR की। CPR पे भी आपको मैं कुछ एक स्टॉक्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आज के स्टॉक हैं, जैसे मोविटेक हो गया, अवे सुगर हो गया, जेके पेपर हो गया, और भी काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके यहाँ पे परसेंटेज पे रिटर्न दिखे हैं कि आज के दिन उन्होंने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, और टॉप 10 जो स्टॉक है वो यहाँ पे किस तरीके के रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। ये तो कैश के स्टॉक के हैं, और ये जो है ये ऑप्शन ट्रेडिंग के स्टॉक है, जैसे कि अतुल सिप्ला हो गया, लोरस लैब हो गया, जुबलेंट फूड हो गया, सन फार्मा हो गया, इन्होंने किस तरीके का यहाँ पे रिटर्न दिया है वो भी यहाँ पे अभी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं, आपसे कैश में और ऑप्शन ट्रेडिंग में दोनों तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बात की जाए तो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 10 तारीख का। 10 तारीख में अगर आप देखो तो ये बैक टेस्टिंग के रिजल्ट आए हैं, जिसमें से अगर आप बात करोगे तो मैं रैंडमली कोई स्टॉक उठा लेता हूँ, जैसे कि आप ये उठा लेते हैं चंबल फर्टिलाइजर। ये एक बेसिकली इंट्राडे बेसिक लेवल का है। अगर आप देखो तो चंबल फर्टिलाइजर 10/10 तारीख का मैंने यहाँ पे दिखाया था, 10 तारीख, ये रही 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 10 तारीख को सुबह आपको ये देखने को मिल गया था। 10 तारीख को सुबह ही, सुबह जब मार्केट होती है 9:30 पे ये सारे स्टॉक अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद हम देखोगे तो अगर ये 9:30 भी आपको यहाँ पे लोगे तो उसके बाद में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, काफ़ी अपसाइड में। और उसके बाद में अगर कोई और स्टॉक चेक करें तो हमें रहेगा JSW स्टील, उठा लेते हैं एक बार। अगर JSW स्टील में भी अगर देखा जाए तो 10 तारीख के अकॉर्डिंग, उसके बाद में इसने भी एक अच्छा खासा मूव दिया था अपसाइड के अकॉर्डिंग। और एक और स्टॉक रैंडमली चेक कर लेते हैं हम, वेदांता, जो कि काफ़ी मूवमेंट वाले स्टॉक भी होते हैं। ये जो स्टॉक चेक कर रहा हूँ ये निफ्टी के अकॉर्डिंग काफ़ी मूवमेंट वाले स्टॉक भी रहते हैं, हर दिन न्यूज़ में भी रहते हैं ये स्टॉक। वेदांता में अगर देखा जाए तो 10 तारीख को एक खास अच्छा खासा मूव नहीं था, लेकिन था, तो इसके बिहाव पे हमें पता लग जाता है कि ये किस तरीके का काम करता है। अगर इसके अकॉर्डिंग इसकी बैक हिस्ट्री और चेक करें तो जैसे अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था 3/4/2022 के अकॉर्डिंग, तो हम मार्केट में 3 तारीख के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि 3 तारीख को काफ़ी अच्छा मार्केट डाउन था। तो उसके बिहाव पे देखते हैं कि हमें कौन कौन से स्टॉक देखने को मिले थे, जिसमें से हम स्टॉक ले लेते हैं हिंद पेट्रो, क्योंकि उस टाइम देखा जाए तो क्रूड ऑयल का रेट जो है काफ़ी ऊपर जाने लगा था। ये जो स्टॉक है ये फिल्टर होके ऊपर आ गए थे, तो इसकी बात की जाए तो 3 मार्च को ये रहा, काफ़ी अपसाइड का मूवमेंट रहा। अगले दिन ये डाउन हुआ लेकिन वापस से अपसाइड में हो गया। और दूसरा स्टॉक कोई और, एक बार ये स्टॉक ले लेते हैं धर्मपुर शुगर। धर्मपुर शुगर में चेक करते हैं, क्योंकि ऑयल का तो हो चुका है, एक बार इसमें चेक करते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो 3 तारीख में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला, फिर बराबर आया, और उसके बाद में फिर से एक हाईली रिटर्न स्टॉक देखने को मिला है। तो इसमें भी देखा जाए तो एक अच्छा खासा मूव देखने को हमें मिल चुका है। और उसके जो नेक्स्ट डे थी 4 तारीख, 4 तारीख को भी मार्केट काफ़ी डाउन रहा था, गैप डाउन ओपनिंग दी थी, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं मार्केट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। चंबल फर्टिलाइजर को देखा जाए तो 4 तारीख के अकॉर्डिंग काफ़ी सही रहा, और उसके अगले दिन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया इसने, काफ़ी दिनों तक इसने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया यहाँ पे। 4 तारीख पहले डाउन था, फिर उसके बाद अप हुआ, अगले दिन डाउन हुआ लेकिन वापस से अप हो गया। तो ये जो एक्यूरेसी है, ये आपकी जो एक्यूरेसी है वो 70-80% तक रहेगी, 100% यहाँ पे नहीं रहेगी। तो स्टॉक में हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट आ जाए,
लेकिन काफी स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। डालमिया शुगर को चेक कर लेते हैं ये कैसे रहेगा। डालमिया शुगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो 4 तारीख को, ये रहा 4 तारीख को अप था, उसके बाद में कंटिन्यू अप मूवी, अप साइड की मूवी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये तो रहा सीपीआर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में एक स्टॉक हो रहा है जैसे ब्रेकआउट पैटर्न है, चार्ट ब्रेकआउट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे भी इसमें भी अभी जैसे कोई अभी देख रहे हो काफी हाई वॉलिटिलिटी है, तो ये भी पैटर्न नहीं दे रहा है यहाँ पे स्टॉक। अगर इसकी बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग बात की जाए तो बैक टेस्टिंग में हो सकता है कि हमें अच्छा खासा रिटर्न दिखा दे। जैसे अभी देख रहे हो कि 2 तारीख को स्टॉक काफी आए थे, जैसे कोल इंडिया और गेल आया, तो इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। अगर 2 तारीख के अकॉर्डिंग गेल को देखें तो गेल ने काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया 2 तारीख को, उसके बाद में कंटिन्यू अपसाइड 2-3 दिन तक। ये बेसिकली चार्ट पैटर्न, चार्ट ब्रेकआउट के जो स्टॉक रहेंगे वो सेमी ट्रेडिंग होंगे। अगर आप बीटीएसटी स्टॉक होते हैं एक तरीके से, आज आप बाय करोगे तो कल आपको सेल करना पड़ेगा। कोयल इंडिया में 2 तारीख को अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, उसके बाद में नेक्स्ट डे आउट हो जाता है। तो गेल और कोयल इंडिया की अगर बात की जाए दोनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो बैक टेस्टिंग में और भी बहुत सारे हैं, और इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी बात करें तो ये है वीकली के अकॉर्डिंग, वीकली स्कैन के अकॉर्डिंग ये सब स्कैन आए हैं। इसमें आप खुद ही आप चेक कर लेना वीकली का चार्ट पैटर्न लगा के। और उसके बाद में जो ये है आपका मंथली, मंथली के अकॉर्डिंग मैंने जो जिस तरीके स्कैन बनाया है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसका 10-46% का रिटर्न है, इसका 10-83% का रिटर्न है, इसका 10-83%, इस तरीके के यहाँ पे मैंने ये स्कैन बना के रखे हुए हैं। अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा करूँगा तो ये एक डेमो वीडियो है। अगर आपको मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मेरे को मैसेज करिए, आपको ये चार्ट स्कैनर है सब प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।